अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 29 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 29 में हम लैम की रिब बोन के 3 पीसेस लेंगे और उनको हम वाटर, NaOH और डाइल्यूट HCl में सॉल्यूशन में डालेंगे और फिर हम बोन की नेचर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने लैम के रिब बोन के 3 पीसेस को सॉल्यूशन में डालकर हमने बोन की नेचर क्या है हमने उसको डिस्कस करना है। सो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें लैम की रिब बोन के 3 पीसेस शामिल हैं। इसके अलावा हमें फोर्सेप्स चाहिए। फोर्सेप्स हम कहते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि चिमटी उर्दू में कहते हैं उसे। केमिकल्स में हमें 20% HCl सॉल्यूशन चाहिए, 20% NaOH सॉल्यूशन और डिस्टिल वाटर चाहिए। आज के एक्सपेरिमेंट की प्रिकॉशन क्या है कि आपके केमिकल्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना है और उसके लिए जरूरी है कि आप सेफ्टी इक्विपमेंट जो है उनको आप इस्तेमाल करें। आप ग्लव्स को लाजमी तौर पे जो है वो पहने, दस्ताने पहनकर आप जो है वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। सेकंड क्या है कि आपने जो लिक्विड लिया है उसमें आपने जो बोन पीसेस हैं उनको आपने कम्प्लीटली डिप करवाना है, मतलब आपने इतना लिक्विड लेना है कि बोन के पीस जो है वो कम्प्लीटली डिप हो जाएं और लिक्विड जो है वो सारा का सारा बोन का पीस जो है वो कवर कर ले। सो प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाफ बीकर जो है वो हम ले रहे हैं लिक्विड से भरा हुआ, हाफ बीकर हम ले रहे हैं। 20% HCl हमने लिया पहले बीकर में, 20% NaOH लिया हमने दूसरे बीकर में और 20 और डिस्टिल वाटर जो है वो हमने लिया तीसरे बीकर में। हमने हाफ बीकर को फिल कर लिया और फिर हमने इसमें रिब बोन के पीसेस डाल देने हैं और हमने 2 घंटे के बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी है। तो आप देखेंगे 20% HCl में जो बोन का पीस मौजूद है वो आस्ता आस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और बोन जो है वो वीक होगी पहले और फिर पोरस होना शुरू हो जाएगी। सो हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी कि 20% HCl जो सॉल्यूशन है उसमें जो बोन है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले वीक होगी, वो डिसॉल्व हो रही है क्योंकि पहले वीक होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पोरस होना शुरू हो जाएगी। सो आज के एक्सपेरिमेंट की जो इक्वेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। बोन्स में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद होती है। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बेसिकली वो HCl जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा और HCl के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड और इसके अलावा वाटर और वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब कैल्शियम कार्बोनेट जो हैं जब उनके फॉर्मूला यूनिट आस्ता आस्ता डिसॉल्व होकर कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होंगे तो बोन भी आस्ता आस्ता डिसॉल्व होगी, वीक होगी और फिर पोरस होगी। सो आज के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है कि जो बोन है उसके ऊपर जो कैल्शियम डिपॉजिट हुई भी होती है, कैल्शियम जो बोन के ऊपर मौजूद होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद होती है। सो HCl सॉल्यूशन में बोन जो है वो वीक क्यों हो रही थी और फिर पोरस क्यों हो रही थी, क्योंकि HCl जो था वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था और कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर रहा था। बाकी दोनों बीकर में बोन जो थी वो वीक भी नहीं हो रही थी और पोरस भी नहीं हो रही थी।